Good morning, class. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today's topic is integers. Integers chapter 6, class 6 में chapter 6 है ये. इसके पहले आप पढ़ चुके हो algebra. Algebra की जो शुरुआत का chapter है integers. Integers में आपको पढ़ना है natural numbers क्या होते हैं, whole numbers, smallest numbers क्या होते हैं, smallest natural numbers. ये सब points आप already पढ़ चुके हो. Whole number वाला जो chapter था या playing with numbers आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें आप बेसिकली ये जो बेसिक वाले पॉइंट्स हैं इनको पढ़ चुके हो. तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं नोट डाउन कराऊंगे, ये आप वहाँ से देख लोगे. बस समझ लो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. मीन्स नेचुरल नंबर तो होगा साथ में हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर पहले हम लिख देंगे. नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, हम कैंसिल करते हैं. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो नंबर्स लिखते हैं एन तक, एन तक लिखने का मतलब है कि इसको हम कहीं तक भी स्कैन कर सकते हैं. कोई भी इसमें ये नहीं बता सकते कि लास्ट नेचुरल नंबर ये होगा, इनफिनाइट होता है. तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल प्लस लिख
अर्निंग का क्या होता है, हम अर्न कर रहे हैं और अर्न करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, मीन्स खर्च करते हैं। नेक्स्ट नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, अभी यहाँ पे बताया नॉर्थ का अपोजिट साउथ या फिर साउथ का अपोजिट नॉर्थ आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 9-9 एंड 5, ऑल्सो राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, लिस्ट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -9 and 5, -9 एंड 5 के बिटवीन जितने भी इंटीजर्स आएंगे हम उन्हीं सभी इंटीजर्स को लिखेंगे, मीन्स -9 को नहीं लिखेंगे और 5 को कंसीडर नहीं करना है, इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे हम उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ -9 है, -9 के बाद आपका नंबर आएगा -8, -7, -6, -9 और 5 के बीच लिखना, तो आप 9 के बाद 10 को नहीं कंसीडर करोगे, -9, -8, -7, -6, -5, -4, 3, -2, -1, एंड इट्स 0, 1, 2, 3 and 4। यहाँ पर आप 5 को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि कहा गया -9 and 5 के बीच में जो नंबर्स आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ लिखा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स लिखना है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको नंबर देख के लग रहा होगा यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन कोई भी नंबर जितना भी बड़ा डिजिट लिखा हो अगर उसके साथ माइनस लगा है तो वो माइनस हम देखते हैं, डिजिट बड़ी होनी चाहिए पर माइनस लगा है तो वो सबसे छोटा इंटीजर होता है। और कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा है जैसे 4-4 तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है या इंटीजर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, ना कि 1 को, -2 को, किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे, किसको करेंगे, यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा -8, मीन्स माइनस के साथ ग्रेटेस्ट नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर्स विच इज, नंबर लाइन पे आपको इसको ड्रॉ करके इसका आंसर सॉल्व करना है, मीन्स आपको फंक्शन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मोर देन -3, 6 मोर देन -3 मीन्स -3 जहां पे भी नंबर लाइन पे लाई करेगा वहां जाना है, मोर देन के लिए हम हमेशा राइट जाते हैं, लेस देन के लिए हमेशा लेफ्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें -3 से 6 मोर देन जाना है, 6 नंबर राइट में जाना है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, नंबर लाइन हमारी होती है, नंबर लाइन के दोनों साइड में आपको एरो ड्रॉ करना है, एरो का मतलब होता है कि इसको हम किसी भी साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो -3 से हम स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, नेक्स्ट 0, आप यहाँ पे करोगे ऐसे नहीं करना है आपको -3, -2, -1, हमेशा 0 बीच में होता है, 0 के लेफ्ट में, लेफ्ट में आप सभी माइनस नंबर्स लिखोगे और राइट में सभी प्लस नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं। 0 और 0 के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन में हम -3 से 6 मोर देन जाना है, एरो लगा देंगे इस तरह से, एरो भी लगाना कंपलसरी है, आप एरो भी लगाओगे
टर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पे 13, सेकेंड मॉड में कोई भी नंबर लिखा है तो वो नंबर अपोजिट में जाके हमें आंसर तो सेम मिलेगा, बस साइन वहाँ पे प्लस पर, जीरो के साथ हम प्लस नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, मॉड 8 एंड अगेन मॉड 8 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 8। इसका लास्ट है -101, इसको भी आप ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में असेंडिंग करना है एंड 7 में डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 6 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, इसी के आगे, इसके आगे की
नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6B एंड 6B में इसके आगे की 6 एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
भी सेम इसी पैटर्न